है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज ना हमारी घर पर न्यू फैमिली मेंबर आने वाली है और मैं उसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज फाइनली हमें वो मिलने वाली है। बहुत दिनों से मैं उसका वेट कर रही थी एंड फाइनली हम उसको लेने जाने वाली है। पापा मैं और मेरी अंकल जाएंगे उसको लेने के लिए, तो हम बोंगाईगांव तक उसको लेने के लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि वो फैमिली मेंबर कौन है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखो एंड स्किप मत करना गाइस। सो हम चलते हैं अभी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटमेंट की वजह से मैंने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया, बस मैंने सिंपल सा, आई मीन मैं करती भी नहीं हुई इतना हैवी मेकअप, बस मैंने सिंपल सा क्रीम पाउडर वो सब लगाया एंड मैं मस्कारा लगाती थी, लेकिन मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं अभी जाने वाली हूँ मेरी क्यूट सा फैमिली मेंबर को लेने के लिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारी सर लाडू नहीं जाएंगे, तो मैं उस मास्क पहन लेती हूँ पहले। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं अभी चलती हूँ गाइस। आप सब भी चले मेरे साथ। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं एंड मुझे सब्र नहीं हो रही है कि हम कब तक वो अगर पहुँचेंगे। तो जाते हैं पहले और इसके बाद मिलते हैं क्यूट सा फैमिली मेम्बर से। सो गाइस, फाइनली हमारा न्यू मेम्बर हमें मिल चुकी है। ये रहा मेरा न्यू पप्पी, बहुत क्यूट है और उसको मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मेरा दिल तो खुश हो गया अभी। हाय, सो गाइस, इधर हमने ले लिया पप्पी के लिए कुछ सामान वो सब। इधर देखो ये कितना बदमाश कर रहे हैं, कितना क्यूट है ना गाइस ये। सो गाइस, अभी हम घर पर पहुंच चुके हैं। मेरा क्यूट सा पप्पी, देखो लाडू कितना ज्यादा एक्साइटेड है ना मिलने से। ये हमारा न्यू फैमिली मेंबर, देखो 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 देखो। तो अभी हम इसको ले लाते हैं। ठंडा लग रही है इसको। इसको ठंड लग गया। बहुत ज्यादा क्यूट है ये, इसका बाल अभी तो नहीं छू। डॉगी ने यहाँ पर बेड में शुशु कर दिया है, देख सकते हो। एंड अभी इसका मालिक इसको साफ कर रहा है एंड अभी ये अंदर है। ओ नहीं, ये देखो
ये मेरे साथ नहीं रहता, इसके पीछे पीछे भागे जा रही है, जब से आया है इसके पीछे ये। सो गाइस अभी हम लोग घर पर आ चुकी है एंड मैं इधर मेरी पप्पी के साथ खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ही मिला है तो मुझे उसके साथ खेलने का बहुत मन कर रही है, इसलिए मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही हूँ। एंड गाइस आप लोग बताओ आप लोगों को मेरा पप्पी कैसा लगा, मेरा क्यूट सा पप्पी, मुझे नाम सजेस्ट करके दे दो कि मैं अपनी डॉगी के नाम को क्या रखूँ। सो मेरा जो पप्पी है वो पोटी कर रही है, अभी उसको पोटी करने देती है। सो गाइस अभी मुझे मेरा पप्पी मिल चुकी है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं ले पाई क्योंकि मैं उसके साथ खेलने में थोड़ा बिजी थी। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाया, लेकिन मैं जल्दी मेरी क्यूट से पप्पी के साथ नई वीडियो लेके आऊँगी, उसके साथ खेलेंगे। जब मैं उसका नाम रखूँगी तब मैं आप लोगों को बता दूँगी। सो गाइस आप लोगों को मेरा पप्पी कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। एंड हाँ, आप लोग सोच रहे होगी कि मुझे ये पप्पी कहाँ से मिला, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने मतलब हमने फैमिली मिलकर बात की थी कि हमें एक पप्पी चाहिए, घर में रहने वाला पप्पी चाहिए, क्यूट सा चाहिए, वाइट कलर का चाहिए, ऐसा हमने बात की थी फैमिली मिलकर। और फिर मैंने एक भैया से कॉन्टेक्ट किए तो उसने बोला कि पप्पी तो अभी मेरे हाथ में नहीं है, वो कलकत्ता से लेके आएंगे और आपको 3 दिन के बाद मिल जाएंगे, पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा 500 की और इसके बाद आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा जब आपको पप्पी मिल जाएंगे। तो उसने मुझे मतलब पप्पी दिलाया, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे पप्पी दिलाने के लिए, क्यूट सा पप्पी, और इस पप्पी का नाम है जर्मन स्पीच। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने मेरी हेल्प की। तो उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल में न्यू पप्पी का वीडियो डालते रहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग सपोर्ट कीजिए उसको भी। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाया, लेकिन मैं जल्दी से मेरी क्यूट सी पप्पी के साथ वीडियो लेके आऊँगी और फिर आप सबको दिखाती रहूँगी कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, और मैं उसको सारा सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगी, मतलब हाय हेलो हाय बाय वो सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगी। और वो अभी 2 मंथ हुआ है एंड हाँ, सबसे स्पेशल बात ये है कि उसका डेट ऑफ बर्थ मेरे से सेम है, मेरा भी 8 अगस्त है और उसका भी 8 अगस्त है, तो हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन में होगा। सो नेक्स्ट ईयर आप लोग मेरी पप्पी और मेरी बर्थडे देखने को मिलेंगे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उसका डेट ऑफ बर्थ मेरे से सेम है, तो हम दोनों बर्थडे मनाएंगे, एक ही बर्थडे मनाएंगे हम दोनों एक ही दिन में एक और साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मेरा बेटा है, क्यूट सा बच्चा, मेरा जेनिया ब्रोमो का बेटा है। तो ये अभी खेल रही है, मैं थोड़ा सा दिखा लेती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होगी मुझे पता है, क्योंकि वो हो ही इतना क्यूट, तो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे एंड आप लोग उसको देखना चाहेंगे ना, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितना बदमाश है ये, इसने मेरे को खा लिया। मत करो मत करो, देखो इसका कपड़ा फट गया शायद, इसका दांत में थोड़ा सा कुचली कुचली हो रही है। बाप रे मेरी बेटी के पास इतना सारा पावर है, देखो ये कैसे बेटी क्या क्या कर रही है।